फ्रेंड सब्सक्राइब करें प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को, इस बेल आइकन को दबाएं एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड की ऑनलाइन क्लासेस और डेली न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए मैथ्स के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके एयरफोर्स एग्ज़ाम और नेवी SSR के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब तक आपका एग्ज़ाम है जब तक आपके लिए इसी तरह से वीडियोज़ हैं वो मिलती रहेंगी। आप तो बस मेरे साथ बने रहिए अंत तक, और जो भी मैं वीडियो डाला करूँ उनको प्लीज़ पूरी ज़रूर देखा करें। इससे क्या होता है कि यदि आप बीच में छोड़ देते हैं तो आपसे कुछ क्वेश्चन है वो छूट जाते हैं। जिस तरह से हमने नेवी AA के लिए प्रिपरेशन की थी उसी तरह से हम करेंगे, और आपको चैप्टर वाइज वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और देखिए मैं आपको बताता चलूँगा कि किस तरह के क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आए थे लास्ट ईयर क्वेश्चन में वो भी। देखिए कॉट 15, कॉट 16, कॉट 17, आपको इस तरह से कॉट 75 तक दिया हुआ है, इसकी हमें वैल्यू बतानी है। अब देखिए कई होता है, क्या होता है, एक तो टेन से शुरू सीरीज शुरू होती है, यानी कि टेन 1 डिग्री से शुरू होती है और टेन 19 डिग्री तक होती है। जब भी आपको टेन या कोट की कंटिन्यू सीरीज मिल जाए और उसके जो फर्स्ट और लास्ट टर्म का एडिशन है वो 19 मिल जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। ध्यान रखना, इसमें आपको सॉल्यूशन की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आपको याद रखना है। उस रेखा का समीकरण, अब देखिए इंग्लिश में मैं बताऊंगा आपको, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो 3.4 से गुजरती है और उसके अंत्यखंडों का योग 14 है। फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज पासिंग थ्रू 3.4 एंड एडिशन ऑफ इंटरसेप्ट इज 14। तो सबसे पहला मेथड क्या होगा, बेसिक से यदि आप इसे करना चाहो तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू मैं आपका आता है 1। अब ये आपकी इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन, यहाँ से आपको x, y की वैल्यूज दी हुई है और आपको a और b की जगह रख देना है। देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है आपका 14, यहाँ से या तो a की वैल्यू निकालो या b की वैल्यू निकालो और इक्वेशन में पुट करो, आपकी इक्वेशन आ जाएगी। बट यदि आपको ऑप्शन अच्छे हैं तो आप ऑप्शन से पुट करो 3.4, जिस भी ऑप्शन में आपका सेटिस्फाई हो रहा है आप उस ऑप्शन में इजीली रख के अपना आंसर है वो निकाल सकते हैं। कई बार क्या होता है कि दोनों ऑप्शन है वो सेटिस्फाई कर जाते हैं, उससे फिर क्या देखना होता है, आपको इंटरसेप्ट एडिशन देखना होता है वो 14 बन रहा है या नहीं बन रहा। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइंगल शब्द से बनने वाले सभी शब्द, कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं ताकि सभी वर्ड हैं जो टी से शुरू हो और ई से समाप्त हो। अच्छा क्वेश्चन है, आपके नेवी AA में आया था, इस तरह के क्वेश्चन करा रखे थे आपको। देखिए सबसे पहले आपको क्या कंडीशन दी गई, वो टी से शुरू होना चाहिए और ई से आपका क्या होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए, और रिपीटेशन है वो आपका अलाउड नहीं है। अब हमने क्या कहा कि 8 इस तरह से जो खाने वो आपके बना लिए, कितने बना लिए गाइस, 8। अब 8 में आपको क्या करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1 ये 8, इसमें क्या करना है कि यहाँ हम टी से शुरू करेंगे तो हमारे पास 1 चॉइस है, यहाँ पर हम ई से शुरू करेंगे तो हमारे पास 1 चॉइस है, यहाँ पर हम 5 में से चूज कर सकते हैं, यहाँ पर 4 में से, यहाँ पर 3 में से, यहाँ पर 2 में से, यहाँ पर 1 में से, तो इस तरह से सॉरी 6, 5 इस तरह से आपको चूज करना है, यहाँ पर आपका आंसर है वो 720 आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका एज इट इज था नेवी AA के एग्जाम में जो कि 12 तारीख की सेकेंड शिफ्ट में था। नेक्स्ट आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक्स इज अ पावर ए माइनस ए की पावर ए अपॉन ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर ए। अब देखिए लिमिट में मैंने बताया था आपको दो ही कॉन्सेप्ट, आपको दो कॉन्सेप्ट लगाने, एक तो आपका होता है कि आप एल हॉस्पिटल और दूसरा होता है कि आपका ई की पावर एक्स वाला जो मेथड बनता है, इसमें आपको एल हॉस्पिटल लगा देना है और आप वैल्यू रखोगे आपके पास आंसर बन जाएगा log e बेस में आपका क्या होता है ए। सॉल्व कर लेना, इजी क्वेश्चन है, वैसे मैंने कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपके नेवी में आया हुआ क्वेश्चन है, 1 - a / 1 + a, इसका मॉड्यूलस ज्ञात करना है। अब मॉड्यूलस इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इसका जो वैल्यू है वो इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले क्या करना है आपको, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसका हमने क्या कर देना है, रेशनलाइजेशन मैंने जैसे ही किया तो इसकी वैल्यू फाइनली आ गई मेरे पास आयोटा। अब रेशनलाइजेशन में क्या किया मैंने कि 1 + i/1 - i दिया हुआ था, 1 - i नीचे है, मैंने 1 + i से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 1 + i से नीचे मल्टीप्लाई किया, दोनों में मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू है वो क्या बन जाती है, देखिए यहाँ पर क्या बन जाता है, 1 - i² तो 1 - i² -(-+1) नीचे बन जाता है 2 और ऊपर बन जाता है आपका आयोटा, क्योंकि 1 से आयोटा स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, इसकी वैल्यू -1 होती है।
अब यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हैं, चाहे इसका मॉडुलस पूछे चाहे फिर इसका वो कोणांक पूछे। तो यहाँ से आप ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में इसे लिख कर इसका आसानी से मान निकाल सकते हैं, इसका आंसर है जो हमारे पास 1 बन जाता है। नेक्स्ट है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 10 के प्रसार में मध्य पद क्या होगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आए थे। अब मध्य पद के लिए क्या करना, मैंने खूब अच्छे से बताया था आपको, टेन होता है इसको डिवाइड करना है आपको, ये टेन डिवाइड किया मैंने 2 से और प्लस इसमें क्या कर दिया 1, तो ये कितना कौन सा पद निकालना है, छठा। छठा पद आप इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास सब कुछ है, एन बी है, सी आर भी है, हमें एन सी आर वाला फॉर्मूला लगाकर इसमें निकाल सकते हैं, टेन सी फाइव आपका आंसर आ जाता है। ओके नेक्स्ट है आपका लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब लिमिट से, अच्छा क्वेश्चन है। तो हमें इसमें क्या करना है, डीएल हॉस्पिटल लगा देना है, डीएल हॉस्पिटल इसमें लगेगा 3 टाइम्स, 3 टाइम्स आपको डीएल हॉस्पिटल इसमें लगाना होगा, तो आपका आंसर -1/6 आ जाएगा। डीएल हॉस्पिटल बिल्कुल इजी है मेथड है, यदि आप फैक्टराइजेशन मेथड या और भी कुछ यूज करते हैं तो वो आपके लिए लंबा पड़ता है। नेक्स्ट है आपका 3/2 -3 अपॉन एक्स स्क्वायर के प्रसार में एक्स की पावर -4 का गुणांक। देखिए 12 वाली शिफ्ट में जो इवनिंग शिफ्ट शायद उसमें इसी तरह का कुछ क्वेश्चन था, बट उसमें आपसे पूछा था शायद एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोई दिक्कत नहीं है, फर्क इतना है इसमें एक्स की पावर -4 पूछी, उसमें एक्स की पावर 2 पूछी थी, इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम इसे। देखिए टेन सी आर, ध्यान देखना, ध्यान से देखना, टेन सी आर हमें 3/2 लिख देना है, 3/2 मैंने लिखा और इसमें टेन माइनस आर लिख दिया, क्या लिख दिया, टेन माइनस आर, फिर उसके बाद बचा हुआ है जो आपका रिमेनिंग है उसको लिख दो 3/x² इसकी पावर क्या बन जाती है आपकी आर, क्या बन जाती है आर। अब यहां से आपके पास जो भी आपकी वैल्यू आई है इसमें क्या करना है आपको, एक्स की वैल्यू मतलब एक्स की पावर है वो कैलकुलेट करनी है। अब देखिए इसमें तो एक्स की पावर है ही नहीं तो इसको हम लेंगे नहीं, यदि होती तो हम इसमें कैलकुलेट करते। यहां से देखिए एक्स स्क्वायर है बट वो नीचे है तो एक्स की पावर कितनी है, -2 है ना, तो उसका कंपैरिजन कराना है हमें इससे। देखो -2r कितनी है, -2r इज इक्वल टू -4, इससे मैंने ये काटा, r की वैल्यू मेरे पास 2 बन गई और 2 मैंने जैसे क्वेश्चन में रखा तो मेरे पास x की पावर -4 का जो फैक्टर है यानी गुणांक है वो मेरे पास ये बन जाता है। इजीली आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होता। मैंने वीडियोस अलग से बना रखी हैं बट और आपके लिए वीडियोस हैं जो रेगुलर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। डी एक्स अपॉन 1 + sin x ये आपको करना है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 9 या 10 के शिफ्ट में, 10 या 11 के में। तो इसमें क्या करना है आपको, 1 - x 1 - x वही आपका क्या करना है, रेशनलाइजेशन, चाहे तो आप इसे रेशनलाइजेशन बोल दो चाहे इसे बोल दो, 1 - x से ऊपर नीचे डिवाइड कर सॉरी कम मल्टीप्लाई करना। मैंने मल्टीप्लाई किया नीचे बन गया 1 - sin² x, वो क्या होता है cos² x, और 1 - sin ये डायरेक्टली हमारे पास यहाँ पर आ गया, इसको ऊपर डिवाइड कर दिया, sec² x - sec x * tan x मेरे पास आ गया, मैंने इसका क्या tan x - sec x + c, ये मेरे पास फाइनली आंसर है जो बन गया। ओके आशा करता हूँ सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए log 512 अपॉन log 64 इसकी वैल्यू हमें बतानी है। अब इसमें क्या करना है आपको, log की प्रॉपर्टी लगा देनी है, 512 क्या होता है, 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 होता है 512, और 2 की पावर जो 6 है वो क्या होती है आपकी, वो होती है आपकी 64। तो इस तरह से मैंने इसको इस फॉर्म में रख लिया, यानी कि मैंने इसको इस फॉर्म में रख लिया। अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है log m की पावर n, देखिए log की वीडियो जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। log यहाँ से 9/6 आगे आ गया और ये आप मेरे पास कट गया, तो 9/6 यानी 3/2 आपके पास फाइनली आंसर आ गया। इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में नेवी डबल ए में आया था। अब देखिए नेवी डबल ए में जिस तरह के क्वेश्चन आए थे उसी तरह के आपके SSR में देखने को मिलेंगे, बट उसमें फिजिक्स नहीं जनरल साइंस आती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक कॉस इनवर्स 1 + cos x / 2 इसकी हमें वैल्यू बतानी है। अब यहाँ से देखिए आपसे ये इंटीग्रेशन भी लगा सकता है, उससे d/dx भी पूछ सकता है, तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट है इसकी वैल्यू निकालना, उसके बाद तो हम कुछ भी कर सकते हैं इसमें। इसमें क्या क्या, मैंने cos 2x वाला फॉर्मूला लगा दिया, 1 + 2 cos² x / 2 - 1, 1 से 1 कैंसिल 2 से 2 कैंसिल, मेरे पास cos inverse x cos² x / 2 आ गया, ये cos स्क्वायर बाहर आएगा तो cos बन जाएगा, cos से cos कैंसिल, x / 2 आपका आंसर है जो आ जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का कि हमें इसका क्या निकालना है,
इसका रूट निकालना है, ये जो दिया हुआ है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए मैंने आपको अच्छे से समझाया था, कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ाया था मैंने तो उसमें बताया था क्या करना है आपको कि 24 आयोटा लिखा हुआ इसको ले लेना है आपको, क्या करना है इसको ले लेना है और इसको थ्री पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड करना है कि एक दो है वो सेपरेट होना चाहिए, दो है वो सेपरेट होना चाहिए। उसके बाद आपका बच जाता है एक तो 12 आयोटा बच जाता है। 12 आयोटा को इस तरह से इसके दो फैक्टर करो ताकि जो इनका एडिशन का योग है वो 7 आ जाए। मेरे पास एक तो 6 और 2 आ जाता है, 6 और 2 तो वैसे ही नहीं बनेंगे क्योंकि इसका जो स्क्वायर करेंगे हम वो ज़्यादा हो जाएगा। मैंने लिया 4 और 3, 4 और 3 मैंने ले लिया, 3 के पास में मैंने क्या लगा दिया आयोटा। इतनी आपको ऑप्शन से भी हेल्प मिलेगी, इनका एडिशन करो 4 चौका 16, इसका एडिशन करो -9 तो आपके पास 7 आ जाता है। तो वही हमें ए प्लस बी के फॉर्मेट में इसे सेट करना था, ए प्लस बी के फॉर्मेट में ये सेट हो गया है, तो यही हमारा हो गया आंसर। तो ये थी आज की वीडियो आपके मैथ्स क्वेश्चन की। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।